आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के चौमहला में शुद्ध के युद्ध अभियान के तहत आज कस्बे में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण सक्सेना, चिकित्सा विभाग, विधिक माप विज्ञान झालावाड़ ने संयुक्त रूप से कार्यवाहक उपखंड अधिकारी सुनील जंगम के नेतृत्व में दर्जनों मावा प्रतिष्ठान व मिठाई की दुकानों पर कार्यवाही कर मावे, घी व मिठाई के सैंपल लिए। वही बड़ी कार्यवाही करते हुए मावा प्रतिष्ठान से 700 किलो बदबूदार दूषित मावा नष्ट करवाया व मिठाई की दुकान से रसमलाई व मावे के सैंपल लिए, जिन्हें जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा भिजवाया, जिसकी रिपोर्ट आने पर उनके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। विधिक माप विज्ञान अधिकारी दुर्गेश गुर्जर द्वारा मिठाई के साथ डिब्बा तोलने व दुकानों पर गड़बड़ियां व असत्यापित होने पर तीन दुकानों पर कार्यवाही करते हुए 6000 रुपये चलान बनाकर राजकोष में जमा करवाए गए एवं मिठाई के साथ डिब्बा नहीं तोलने के लिए पाबंद किया गया। 7 दुकानों पर शुद्ध के लिए युद्ध के पोस्टर चस्पा किए गए, जिन पर विभाग के हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं, जहां ग्राहक सीधे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। खबर आपकी राजस्थान से, आबिद हुसैन की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के युद्ध अभियान के तहत खाद्य आयुक्त डॉक्टर सुनील शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में जो गतिविधियाँ हो रही है उसके अंतर्गत आज हम झालावाड़ में चौमेला में हमने SDM साहब के साथ मिलकर औचक निरीक्षण किए और एक प्रतिष्ठान से लगभग 700 किलो बदबूदार और सड़ा मावा हम लोगों ने जो मौके पर ही नष्ट करवाया और वहाँ से सैंपल लिए। उसके पश्चात चौमेला की विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए घी और मावे और रसमलाई के नमूने भी हमने लिए हैं। ये कार्रवाई निरंतर आगे जारी रहेगी और इसी दौरान हमने जो निदेशालय से प्राप्त जो जागरूकता के स्वास्थ्य के प्रति खाद्य के प्रति पोस्टर है वो भी हमने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर लगवाए हैं। ये निरंतर अभियान दिवाली के पर्व को देखते हुए भी चल रहा है तो आगे भी जारी रहेगा। सर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण सक्सेना, मुख्य क्या निर्देश दिए गए हैं आपको? इसमें हमें दिया गया है कि इस समय हमारा पूरा फोकस ज़्यादातर जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पर रहेगा। दूसरा, सैनिटेशन एंड हाइजीन, जहाँ भी इसकी कमी मिले वहाँ उनको समझाइश करनी है पहली बार में, दूसरी बार में कार्रवाई करनी है।